नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ देखने। आप में हूँ आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। आज मध्य प्रदेश को हवाई सेवा की सौगात। जबलपुर से दो फ्लाइट की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भोपाल में ये मेरी पहली प्रेस वार्ता है। साधिका लोकसभा सत्र में विपक्ष ने अपने आचरण से लोकसभा को चले नहीं दिया। नए मंत्रियों के परिचय के समय विपक्ष ने हंगामा किया था। खटीक ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता था कि जनता नए मंत्रियों के बारे में जाने, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया है। कटिक ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया ओबीसी आयोग का को संवैधानिक दर्जा। केंद्र की मोदी सरकार ने दिया ओबीसी को सम्मान। कटिक ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार के काम पर विपक्ष कर रहा शोर शराबा। लोकसभा और राज्यसभा में ओबीसी और अनुसूचित वर्ग के मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। कटिक ने कहा, 2023 में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। बढ़ती महंगाई पर केंद्रीय मंत्री कटिक का बयान। कहा, वैश्विक समस्या महंगाई। श्योपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में सिंगल क्लिक के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को 23 करोड़ की राहत राशि जारी की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में आई बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख जताया। कहा, बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। सीएम ने कहा कि सरकार की तीन प्राथमिकताएं हैं, जिनमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में पीड़ित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास के साथ पुनर्निर्माण शामिल है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर खंडवा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, चुनाव की तारीखें जब घोषित हों लेकिन हमारी तैयारियां जारी हैं। टिकट चयन को लेकर कहा कि जल्द ही संसदीय समिति की बैठक होगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जिसे तय कर देगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रसिद्ध शहर मुनव्वर राणा पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुनव्वर राणा श्रीराम और महात्मा गांधी जी की वजह से जिंदा है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। इस ऑडियो में बृहस्पति सिंह डिप्टी कलेक्टर जमकर गाली दे रहे हैं। दरअसल बलरामपुर कलेक्टर के जरिए एक पट्टा जारी हुआ है और उसी पट्टे को लेकर विधायक बृहस्पति सिंह डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार रजक से फोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान वो भड़क गए और कलेक्टर को गाली देने लगते हैं। विधायक बृहस्पति सिंह के वायरल ऑडियो मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने सवाल खड़े किए और कहा कि ऑडियो या तो बृहस्पति सिंह ने वायरल किया था या फिर डिप्टी कलेक्टर ने, लेकिन जिस तरह भाषा का प्रयोग किया गया वो जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। एमपी के पहले ग्रीन फील्ड अटल एक्सप्रेसवे को मंजूरी। 3 महीने में अधिकृत होगी जमीन। 2022 में शुरू होगा काम। चंबल के बीड़ की अब बदले की तस्वीर। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया जिले सीधे होंगे प्रभावित। 7,000 करोड़ की लागत से बनेगा 404 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। जल्द हो सकता है मध्यप्रदेश कांग्रेस का पुनर्गठन। कमलनाथ ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। करीब 1 घंटे की मुलाकात में संगठन और उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमेटी बनाई, चेयरों को शामिल किया जाएगा। इसे लेकर लगातार आलाकमान से संपर्क में है कमलनाथ। ग्वालियर चंबल के 18 नर्सिंग कॉलेजों में नियमों के खिलाफ छात्रों को प्रवेश दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की पुनर्विचार याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध तरीके से छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश दिए जाने के मामले में 18 नर्सिंग कॉलेजों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर नर्सिंग कॉलेजों की संपत्ति सील कर राशि वसूलने के निर्देश दिए गए। सत्र 2018-19 में बच्चों के प्रवेश देने के मामले में दोषी मामले मानते हुए कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। एमपी में कई जगह पर बारिश की संभावना। धार, खरगोन, बड़वानी में भारी बारिश के अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
एमपी में कोरोना गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं, अब 31 अगस्त तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में अब शराब दुकानों में बिल देना हुआ अनिवार्य, 1 सितंबर से लागू किया जाएगा आदेश। भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज, एनएसयूआई स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर लगाएगी रक्तदान शिविर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर आयोजित होगा रक्तदान शिविर। रायपुर में आज मनाया जा रहा मुहर्रम का त्यौहार, ताजिया में केवल 10 लोगों के निकलने की मिली अनुमति, ताजिया निकालने को लेकर दिशा निर्देश जारी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर युवा कांग्रेस का रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कोको पाढ़ी समेत बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता हुए शामिल। रायपुर में लगे संतरा में एसकेएस इस्पात कंपनी के मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, 4 दिनों से आंदोलन कर रहे मजदूरों को जब पुलिस रुकने गई तो इस दौरान जमकर धुआं झपटी हुई, आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आनंद फानंद में दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, मामला दरसीवा थाना के इलाके का है। रायपुर में संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा विरोध जताया, यहां कर्मचारियों के विरोध स्वरूप सामूहिक मुंडन करवाया। छिंदवाड़ा में शांति व्यवस्था बनाने के लिए 32 अधिकारियों को लगी ड्यूटी, पूरे जिले के अधिकारी रहेंगे मुस्तैद। शहडोल पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश, जिले की बुढ़ाड़ से 3 महिला और 5 पुरुष गिरफ्तार, मौके का फायदा उठाकर 1 महिला फरार हो गई। जगदलपुर में सराफा व्यापारी से लूट मामले में कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, उड़ीसा से हुई गिरफ्तारी, लूट के माल और आभूषण के साथ पिस्टल जब्त। ग्वालियर के अस्तिनापुर थाना क्षेत्र के जंगल से हिरण चिंकारा का शिकार करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में बिना वर्दी रौब झाड़ने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश, बिना वर्दी नहीं लगा सकेंगे पिस्टल, एसपी अमित सांघी, एएसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारियों को आदेश की कॉपी भेजकर नियमों का पालन कराने के निर्देश। जमीन के सौदे में घोटालेबाजी करने वालों ने की जमकर मारपीट, रजिस्ट्रार ऑफिस में लिए 24 लाख, रजिस्ट्री का आया नंबर तो युवक शौच का बहाना कर भाग निकला। पैसे वापस मांगने पर साथियों के साथ मिलकर युवक को पिटवाया, प्लॉट की 25 लाख रुपए में हुई थी डील, पुलिस मामले की जांच कर रही है। करगोन एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च, आगामी त्योहारों को देखते हुए सख्त किए गए सुरक्षा के इंतजाम। बिलासपुर में नामी कंपनियों की फ्रेंचाइजी दलाने के नाम पर ठगी, आरोपियों को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। भोपाल शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी गौरव शुक्ला के खिलाफ टीची नगर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में किया केस दर्ज। शिजालपुर में थोक सब्जी मंडी में किसानों ने हंगामा किया, प्याज की रकम तय करने के बाद कटौती करने पर नाराज हुए। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के धान संग्रहण केंद्र महासमुंद के तुमाड़बरी में मजदूरों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कांकेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, लापता हुई 3 लड़कियों को कुछ घंटे में ही किया बरामद। डबरा में नदी में डूबने से बच्ची की मौत, मवेशी चराने गई थी बच्ची, मामा के यहां बचपन से रह रही थी बच्ची। उड़िया के मनेन्द्रगढ़ में हाथियों का आतंक देखने को मिला, जहां 7 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। एमपी में 25 से 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान, प्रदेश में 2 दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए धार्मिक सामाजिक संगठनों की ली जाएगी मदद, राजधानी भोपाल में 1.5 लाख नागरिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। डिंडोरी जिले में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक के साथ हुई लूटपाट, रास्ता रोका लूट की घटना को दिया अंजाम। बड़वारी में पलटा सब्जी से भरा हुआ वाहन, भिंडी की सब्जी से भरी पिकअप खाई में पलटी, घटना के बाद लोगों ने जमकर लूटी भिंडी, साइकिल और बाइक पर भिंडी के थैले ले जाते दिखे लोग, बड़गांव में गैस गोडाउन के पास की घटना।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, दया से बड़ा कोई साहस नहीं, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकता को दिखाने के लिए आज शाम को 15 दल वर्चुअली बैठक करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी शामिल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में होंगे शामिल। इस बैठक में कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन, किसानों के मुद्दे और अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाएगा। ओलंपिक खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। एथलीट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया। नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सिल्वर पदक जीतने पर रवि दहिया को 1.5 करोड़ की राशि से सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने चेक देकर सम्मान किया। वहीं कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया। ओलंपिक में हॉकी टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन करने पर तोहफों की बरसात हो रही है। हॉकी खिलाड़ियों को यूपी सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया। महिला हॉकी टीम की सभी सदस्यों दीपक पुनिया और अदिति अशोक को 50-50 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अफगानिस्तान की सत्ता हटाने के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट पर रोक लगा दी। इसमें अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद हो चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से गलत, भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है, जो मुझे नहीं जानते वे फैसला ना सुनाए। दिल्ली के जगपुरा इलाके में रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद परेशान हो गए हैं। उन्होंने तालिबानियों का वो दौर देखा है जब उनके और उनके परिवार पर धन के नाम पर 20 साल तक पहले कहर ढाया जाता था। यह सभी महिलाएं और पुरुष अफगान से यहां आ गए थे और अब इकट्ठा होकर यूएन और भारत से मांग कर रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवारों को बचाया जाए। इनका यह भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि तालिबानी आज जो कह रहे हैं 2 दिन बाद अपनी बात से मुकर जाएंगे। तालिबान के शीर्ष नेताओं तालिबान की जनता को भरोसा दिलाया कि नई सरकार में किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, किसी को कोई खतरा नहीं होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय फुटबॉलर जाकिया अनवारी की अमेरिकी विमान से काबुल एयरपोर्ट पर गिरकर मौत हो गई। जाकी के अमेरिकी एयरपोर्ट के विमान बोइंग C-17 से गिरकर मौत हुई। अनवारी उन हजारों अफगानियों में से एक थे जो सोमवार को हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आए थे। अफगानिस्तान के तख्ता पलट में आया एक और नया ट्विस्ट। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह साहे ने सोशल मीडिया के जरिए तालिबान और पाकिस्तान पर जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान इसे निगल नहीं सकता और तालिबान इस पर शासन नहीं कर सकता। कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे लगभग 3 दर्जन पेज को फेसबुक ने हटाया, इससे पहले भी कर चुके हैं कार्रवाई। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर स्पेशल कोर्ट से हुए बरी। दिल्ली की राहुल एवेन ने स्पेशल कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद को किया बरी। 2014 में दिल्ली के होटल में सुनंदा की मिली तलाश। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर मानसिक उत्पीड़न और हत्या के लिए उकसाने का लगा था आरोप।
कोर्ट का फैसला आने पर थरूर ने जज से कहा, पिछले 7.5 साल मेरे लिए दर्द और यात्रा भरे रहे। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा में रेप और हत्या के मामलों की सीबीआई जांच की जाए। कोर्ट की निगरानी में होगी जांच, इसके लिए एसआईटी का होगा गठन। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा पर जताई थी आपत्ति, सरकार के रवैये को बताया था लापरवाह। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं। जाति आधारित जनगणना कराने के लिए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सत्रह महीने बाद पहली बार इंदौर में राहत भरी खबर, पहली बार नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमी, बीते 24 घंटे में मिली 70 से कम मरीज, रायपुर में सर्वाधिक 8 मरीज मिले, 8 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले। देश में 24 घंटे में वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा डोज लगाएगी, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 56 करोड़ के पार हो गया।